क्या आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं? तो आज हम SBI गोल्ड फंड को रिव्यू करेंगे। रिव्यू के प्रोसेस में हम चेक करेंगे इस फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन, पास्ट परफॉर्मेंस में रिस्क एंड रिटर्न टेस्ट एंड फंड के पोर्टफोलियो एनालिसिस। इस फंड ने 2 ईयर्स में 32.17% के रिटर्न एंड 1 ईयर्स में 38.49% के शेयर रिटर्न दिए हैं। इंडिया में लोगों को सोना यानी गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार होता है। क्या आप करते हैं गोल्ड से प्यार? ये वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियोस को पूरा देखना। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये एक कमोडिटी गोल्ड फंड है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड की एसेट साइज है 763.72 करोड़। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा, जो 1730 करोड़ और 5 स्कीम्स को मैनेज करते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.12% कंपेयर टू अदर्स फंड। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो एवरेज है। इस फंड की कैश होल्डिंग है 0.73%, मतलब ये फंड आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में से 0.73% अपने पास कैश रखता है और बाकी के अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्ट करके कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। इस फंड का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। अब तक इस फंड को 7.5 साल प्लस हो चुके हैं। ये एक एक्टिव फंड है। इस फंड का बेंचमार्क है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड एग्जिट लोड। अगर आप इस फंड से 1 ईयर के पहले विड्रॉल लेते हैं तो आपके विड्रोवल्स पर 1% का चार्ज लगेगा, अदरवाइज 0। आप इस फंड में इन्वेस्ट SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम आप 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर आप इस फंड से 3 ईयर के पहले विड्रॉल लेते हैं तो आपके रिटर्न पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, अदरवाइज अगर आप इस फंड से 3 ईयर के बाद विड्रॉल लेते हैं तो आपके रिटर्न्स पर 20% का टैक्स लगेगा। पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न टेस्ट में हम चेक करेंगे इस फंड के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स। इस फंड ने शॉर्ट टर्म में 1 मंथ में 5.78% के रिटर्न्स, 6 मंथ में 24.59% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर इस फंड ने मिड टर्म में 1 ईयर में 38.61% एंड 3 ईयर्स में 76.60% के रिटर्न्स दिए हैं। और लॉन्ग टर्म में भी इस फंड ने 5 ईयर्स में 86.62% एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है अब तक का इस फंड ने 55.91% के रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने मिड टर्म में 20.85% के एनुअली कंपाउंडिंग सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर इस फंड ने लॉन्ग टर्म में 7.38% के एनुअली कंपाउंडिंग सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। अगर आपने इस फंड में आज से 7 ईयर्स पहले 5000 की मंथली SIP करते तो आप इस फंड में अब तक 4,20,000 इन्वेस्ट कर चुके होते, जो आपके 4,20,000 बन गए होते 5,38,725 रुपीस, मतलब 1,18,725 का प्रॉफिट। अगर आप इसी फंड में आज से 7 ईयर्स पहले 1 टाइम इन्वेस्ट यानी 5 लाख रुपीस का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आपके 5 लाख रुपीस बन जाते 8,02,889, मतलब 3,02,889 का प्रॉफिट। पास्ट परफॉर्मेंस रिस्क रेशियो, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.65, शार्प रेशियो 1.29। पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम चेक करेंगे इस फंड के एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स और इस फंड के फायदे और नुकसान क्या हैं। ये फंड गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में 99.79%, मतलब 762.11 करोड़, और रिपो है 1.15%, मतलब 8.78 करोड़। नेट रिसीवेबल है 0.09%, मतलब 68.68 लाख। नेट पेबल से -1.03%, मतलब -7.87 करोड़। अब बात करेंगे इस फंड के फायदे और नुकसान की। इस फंड के फायदे, इस फंड ने 1 ईयर में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू कैटेगरी एंड अगेंस्ट इस फंड ने 3 ईयर एंड 5 ईयर में भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू कैटेगरी। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भी एवरेज है। इस फंड के नुकसान, इस फंड का रिस्क मीटर्स मॉडरेट हाई है। गोल्ड का प्राइस एवरी टाइम अप एंड डाउन बहुत होता रहता है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इस फंड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अस शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म। लेकिन आपको इस फंड में रिस्क देखने को ज़रूर मिलेगा जो एवरेज रिस्क है। आप इस फंड में इन्वेस्ट SIP 500 और लमसम 5000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस फंड में निवेश पेटीएम मनी, ग्रो ऐप या फिर इनके अदर्स प्लेटफॉर्म से या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्ट
कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय स्वामीनारायण, टेक केयर, बाय बाय।